अनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। मंत्री विश्वास सारंग ने बोला कांग्रेस पर हमला, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तोड़ी कांग्रेस पर अपनी चुप्पी, पुलिस ने की 200 पेटी शराब जब्त और दर्शन शुल्क को लेकर सौंपा ज्ञापन। खबरों की ओर रुख करने से पहले इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें राजगढ़ के पचोर से एक बड़ी खबर सामने आई है। पचोर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक लुटेरी दुल्हन गैंग जिसका 10,000 का इनामी बदमाश को पुलिस कब से ढूंढ रही थी, उसे गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, पचोर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग के 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम जेतपुरा से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है आरोपी पर और कार्यवाही शुरू कर दी है। थाना मिहोना जिला भिंड से आरोपी गिरफ्तार किया गया है। तो इस समय राजगढ़ से एक बड़ी खबर आई है, पचोर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां लुटेरी दुल्हन गैंग का 10,000 का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। यहां पचोर पुलिस ने इस बदमाश को पकड़ लिया है। ग्राम जेतपुरा से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने इस आरोपी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है, कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। इसके बाद थाना मिहोना जिला भिंड से आरोपी गिरफ्तार किया गया है। अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ कहते हैं हमने विकास को लेकर कभी भी पैसों की कमी नहीं आने दी। इस बात पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बात तो बिल्कुल सही है, कमलनाथ जी के कार्यकाल में विकास हुआ तो केवल कांग्रेस के लोगों का, केवल मुख्यमंत्री निवास का और उनके मंत्रियों के बंगलों का। कांग्रेस पर लगातार हमलावर होकर उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर और भी कई मुद्दों पर बात की और क्या कहा, आइए सुनाते हैं। देखिए ये सब डर्टी पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट केवल कांग्रेस में है, कांग्रेस में तथा कथित। देखिए जो जनता के बीच में बाहर हो जाता है और जिसकी दुकान और शोरूम दोनों बंद हो जाते हैं, वो इस तरह से कैंपेन स्ट्रेटेजी बनाता है जो कांग्रेस ने बनाई है। ये डर्टी पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट कांग्रेस के द्वारा पाला जा रहा है, जो मध्य प्रदेश की राजनीति को के जो सुहाद्र है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए कांग्रेस में तो सर्वे बदलते ही आ रहे हैं। सर्वे में तो कभी नहीं था और जनता में कभी नहीं था कि सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी। उन्होंने उस समय जनता की बात को अस्वीकार किया। जब मध्य प्रदेश में आम चुनाव थे उस समय सर्वे कह रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, परंतु बनाया गया कमलनाथ जी को। सर्वे में कहीं पप्पू गांधी नहीं थे, परंतु पप्पू गांधी आप देखिए इस देश के सिरमौर नेता बन गए। तो सर्वे करना और सर्वे झुटलाना, और मैं ये निश्चित करता हूं आप पता कर लीजिएगा तथाकथित रूप से कांग्रेस में जिस सर्वे एजेंसी ने सर्वे किया होगा उसको भी पैसे देके खरीदा ही गया होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ होगा। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है, ऐसे में आए दिन नेताओं के बयानबाजी की खबरें आती है और हम आपको सुनाते भी हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एक बयान दे दिया। इतने दिनों से चुप बैठे सिंधिया ने आखिरकार बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी संपत्ति 300 वर्ष पुरानी है, अगर मैं किसी परिवार विशेष में पैदा हुआ हूं तो ये कोई गलत है क्या? आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के आरोपों पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और चुप्पी तोड़कर वो हमलावर हुए। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि ये संपत्ति मेरी 300 साल पुरानी है और सवाल तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो नए नए महाराजा बनकर बैठे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से लगातार सिंधिया पर ग्वालियर में सिंधिया ट्रस्ट की जमीन अपने नाम कराए जाने के आरोप लगाए जा रहे थे, जिस पर सिंधिया ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ये बयान दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये तो 300 साल पुरानी संपत्ति है, इस पर भला आप सवाल क्यों पूछ रही है कांग्रेस। सिंधिया पहले, आपको बता दें सिंधिया पहले कांग्रेस में थे,
कांग्रेस के उनके कार्यकाल के दौरान इस मामले में कभी भी कोई चर्चा नहीं की गई। तो अब सिंधिया ने हमलावर होते हुए ये कहा है कि मेरी 300 साल पुरानी संपत्ति पर आखिरकार आज सवाल क्यों? राजनीति में आने और वही मेरा उसी उद्देश्य के साथ पिछले 5 महीनों में कोरोना से संक्रमित होने के बाद भी मैंने कोशिश की है कि हर विधानसभा में हम एक विकास और प्रगति के द्वारा भी खोल पाए और शिवराज जी और हमने दोनों मिलकर अपनी कोशिश की है और वही आज जनता के समक्ष 15 साल उनका प्रशासन, 15 महीने कांग्रेस का प्रशासन और 5 महीने शिवराज जी का शासन, जिसके आधार पर विकास और प्रगति हो गई। महाराज जी बार बार एक बात कहते हैं, आप टेलीविजन लगाते भी नया मामला उठा रहे कि आपने एक प्रॉपर्टी हथियार लिया आपके परिवार टेलीविजन। देखो भैया, आप और हम जानते हैं ये जो संपत्ति है वो हमारी 300 साल पुरानी है। मैं तो प्रश्न उन लोगों से कर रहा हूँ जो आजकल बन गए हैं महाराजा, पहले वो जवाब दें। अब मेरी पैदाइश अगर एक घर में हुई है तो अगर वो मेरी गलती है तो मैं स्वीकार करता हूँ। हापुड़ जनपद के थाना बहादुरगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें यहाँ पुलिस ने चेकिंग के दौरान आने वाले चुनावों में इस्तेमाल के लिए यूपी से ले जा रही भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद कर ली है, जिसकी कीमत बाजार में करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने अवैध शराब के साथ साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है ये शातिर तस्कर हरियाणा से शराब ले जाकर लाकर यूपी में सप्लाई किया करते थे। पुलिस काफी लंबे समय से इनकी तलाश में जुटी हुई थी। आखिरकार मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने एक ट्रक से करीब 200 शराब की पेटियों को बरामद कर लिया, जिसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना बहादुरगढ़ यशो नीरज कुमार और उनकी टीम द्वारा भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई है तथा 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त का नाम है अशोक, दूसरे का है रामवीर। कुल 200 पेटी शराब की बरामदगी हुई है। इसमें जो खास बात यह है कि ये हरियाणा से शराब खरीदते थे रोमियो ब्रांड की, जो वहां पर 30 रुपए पौवा मिलती थी और यहां पर दूसरे जो यूपी में ब्रांड बिकता है मिस इंडिया, उस नाम से उसको बिक्री करते थे और बार कोड भी चेंज कर देते थे। यहां पर वो करीब 74 रुपए पौवा बिकते थे। कुल करीब 6 लाख रुपए की शराब इन लोगों ने पकड़ा है। इसके स्रोत के बारे में भी जानकारी कराई जा रही है और ये जो सप्लायर लोग हैं, किस किस को यहाँ पर सप्लाई कर रहे थे, उन्हें भी देखा जा रहा है। इस मामले में आप अवगत ही हैं कि एसपी महोदय द्वारा पंचायत को चुनाव दृष्टिगत रखते हुए सभी थानों को निर्देशित किया गया है और उसी क्रम में चेकिंग के दौरान ये गाड़ी पकड़ी गई है और भारी मात्रा में बरामदगी की गई है। जो अभियुक्त पकड़े गए हैं इनके विरुद्ध हम लोग अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत ही कार्रवाई कराएंगे तथा जिनको भी ये सप्लाई करते थे उनका भी चिन्हांकन करके उनके विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी। जिस तरीके से मार्ग चेंज कर रहे थे, कहीं पूछताछ में पता पड़ पाया कि कभी शराब के ठेकों पर भी सप्लाई हो रही थी? इस बारे में इन लोगों ने अभी फिलहाल कुछ बताया नहीं है। अभी इनसे पुनः पूछताछ की जाएगी और अगर ऐसी कोई सूचना प्राप्त की जाती है तो उनके विरुद्ध भी संकट प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए जा रहे शुल्क के विरोध में आज राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर मांग की है इस निर्णय को तुरंत हटाया जाए। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा उज्जैन में सरकार द्वारा लिया जाने वाले शुल्क को बेवजह बताया गया, साथ ही कहा कि हिंदू धर्म की भावनाओं के खिलाफ है, श्रद्धालुओं से शुल्क लिया जाना गलत है। उनके विरोध में कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। कोरोना के चलते बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन को छोटा रूप दिया और कहा कि अगर महाकाल दर्शन के लिए ये जजिया रूपी कर को हटाया नहीं गया तो राष्ट्रीय बजरंग दल उग्र आंदोलन जरूर करेगा। बजरंग दल के महासचिव ने कहा कि वैसे तो किसी भी धार्मिक जगह पर शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी व्यवस्था को लेकर लिया भी जाता है तो 10 रुपए से अधिक का शुल्क लेना गलत होगा। 100 रुपए मैं वरिष्ठ को उनका ज्ञापन पहुँचाता हूँ, जो भी इस कार्रवाई उचित होगी वो की जाएगी। जगदीश वर्मा, नायब तहसीलदार। यह माननीय प्रवीण भाई तोगड़िया का संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल। हमने अभी उज्जैन में सरकार की जो
जजिया कानून के आधार पर जो कर वसूली चल रही है श्रद्धालुओं से, इसके विरोध में यह आंदोलन यहाँ पर आवेदन दिया है। प्रशासन की ऐसी उम्मीद थी कि हम लोग 10-15 लोग आकर ही यहाँ पर आवेदन दें, वरना हम अधिक से अधिक संख्या में 200 की संख्या में आने वाले थे। हमने कोविड का मान सम्मान रखते हुए यह आंदोलन को इतना छोटा करके इन लोगों को जताया है। अगर ये जल्द से जल्द उस कानून को वापस ना लेते, हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने की ये जजिया कानून वापस नहीं लेते हैं, तो हम इसमें उग्र आंदोलन चरमबद्ध तरीके से करेंगे। भाई साहब, वैसे तो शुल्क होना नहीं चाहिए, अगर आप कोई व्यवस्थाओं को लेके करते हैं तो ₹5 से ज़्यादा उसका शुल्क नहीं होना चाहिए। देवेंद्र आंजना, राष्ट्रीय बजरंग दल, इंदौर महानगर महासचिव। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है, सियासी गलियारों में गर्माहट बनी हुई है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान सामने आया, जिस पर उन्होंने कांग्रेस में हमला किया है और हमला करते हुए कहा है कि कृषि बिल के विषय पर कांग्रेस के पास ना तो मन तेल होगा ना ही राधा नाचेगी। कांग्रेस पता नहीं क्यों कृषि बिल पर भ्रम फैला रही है। देश में एक तरफ खेती से अनजान राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर यहां वहां घूम रहे हैं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि प्याज जमीन के नीचे उगता है या ऊपर। कृषि बिल को लेकर उन्होंने कहा कि यह तीनों कृषि बिल किसान के हित में है, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। लेकिन ये कांग्रेस ही है जो इस तरह के भ्रम फैला रही है, गलत फहमियां पैदा कर रही है और देश का माहौल खराब करना चाहती है। ना नो मन तेल होगा ना राधा ना चीनी। कृषि बिल नहीं, काय को भ्रम फैला रहे हो। एक तरफ राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सोफा लगा के घूम रहे, खेती जाने नहीं, किसानी जाने नहीं, पता नहीं प्याज जमीन के ऊपर होता है कि नीचे होता है। ये तीनों कृषि बिल किसान के हित में, किसानों की आय दुगनी करने के लिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते राजनेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों को बूथ प्रबंधन की मिली जिम्मेदारी पर कहा कि बूथ प्रबंधन की तैयारियां की जा चुकी है, जहां जिम्मेदारियां मिली है वहां ताकत के साथ काम भी किया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं पीसी शर्मा ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा। बूथ प्रबंधन की तैयारी पहले ही हो गई पूरी, मंडलम सेक्टर और बूथ, ये लगातार हम लोग जो जहाँ की भी जिम्मेदारी सौंपी है वहाँ पर पूरी ताकत से कर रहे हैं। और अब क्योंकि आज से नॉमिनेशन शुरू हो गए और अधिसूचना भी जारी हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि अब हर चीज़ बहुत ही टाइट स्थिति में होगी। इसलिए आज मैं भी ग्वालियर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ और अब हम लोग बूथ स्तर पर जाएंगे, मीटिंगें बूथ स्तर पर करेंगे जितने भी प्रभारी मंत्री हैं, और जो भी जातिगत समीकरण है और जो भी अन्य समीकरण है उन सबको बिठाने की कोशिश करेंगे। और ख़ास बात यही, कांग्रेस में टिकटों के बाद कोई बहुत ज़्यादा लोगों में कोई मेजर असंतोष नहीं है, थोड़ा बहुत है, वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आज मैंने पहले भी कहा कि आचार संहिता लागू हो गई है और भोपाल के मंत्रालय पे लागू नहीं है, रोज़ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। आज 12 ट्रांसफ़र हुए हैं डिप्टी कलेक्टर से और इनको सभी ग्वालियर, भिंड, खंडवा, दतिया, राजगढ़, इन क्षेत्रों में पदस्थ किया गया है। और इन डिप्टी कलेक्टर्स को ये कहा गया है कि चुनाव आप जिता के लाओ तो आपको कलेक्टर बनाएंगे, ये पीछे इनकी मानसिकता है पूरी। तो ये उन्होंने जो आज ट्रांसफ़र किए, मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, इस पर रोक लगाना चाहिए आज के ट्रांसफ़र पे। और ये मंत्रालय नहीं, आप भोपाल पूरे करो तो मंत्रालय को मैं तो आचार संहिता करो कि जहाँ से ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो, या जो भी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स हैं विंध्याचल में और सतपुड़ा में, इन पर लेना चाहिए। फिर काय की आचार संहिता का ट्रांसफ़र आज हो रहे हैं वहीं पर पोस्ट हो रहे हैं जो चुनाव क्षेत्र हैं, ये निश्चित तौर पर इसमें सब षड्यंत्र नजर आ रहा है, इसको चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। देश में चल रहा है आईपीएल और इंदौर में क्या चल रहा है? इंदौर में चल रहा है सट्टा। जी हाँ, ऐसे में इंदौर पुलिस प्रशासन भी सटोरियों और जुआरियों पर कड़ी लगाम कसने का काम कर रही है। लसूड़िया क्षेत्र के पिनेकल रिम में पुलिस ने गुरुवार देर रात कार्यवाही कर क्रिकेट का सट्टा लगाते हुए 5 लोगों को
पकड़ लिया। पिनेकल ड्रीम के एक फ्लैट के अंदर जब पुलिस की टीम गोपनीय सूचना पर पहुंची तो मौके पर मोबाइल फोन एलसीडी पर 5 लोग सट्टा लगाते पाए गए। पुलिस ने मोबाइल फोन और अन्य सामग्रियों को जब्त कर लिया। देर रात तक रुपयों की गिनती जारी रही। पुलिस ने फ्लैट से सट्टा खेलने वाले लोगों को भी पकड़ लिया है। आपको बताएं इनके नाम जितेंद्र सौरभ रवि और दो लड़कियां गौरी और प्रेरणा हैं, जिनके पास से वाइन की बोतलें भी जब्त की गई। इंदौर के महागायत्री शक्तिपीठ रविंद्र नगर में ब्राह्मण संसार संगठन मध्य प्रदेश में प्रदेश और महानगर की नियुक्ति की गई है, जिसमें पंडित मीत कश्यप को युवा वाहिनी मध्य प्रदेश में उपाध्यक्ष और पंडित राहुल उपाध्याय को प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया है। इसी के साथ इंदौर महानगर में पंडित संजोग शुक्ला को नगर मंत्री और पंडित अमन मिश्रा को प्रभारी मंत्री का दायित्व सौंपा गया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार को निधन हो गया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर आज सुबह करीब 9:30 बजे एम्स से 12 बजे उनके जनपद स्थित सरकारी घर पर ले जाया गया। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पासवान को श्रद्धांजलि दी। शाम 3 बजे पासवान का पार्थिव शरीर प्लेन से पटना ले जाया गया। वहां से लोजपा ऑफिस में भी अंतिम दर्शनों के लिए इसे रखा जाएगा। शनिवार को पटना के दीघा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। रामविलास पासवान का गुरुवार को 74 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। वे पिछले कुछ महीनों से लगातार बीमार थे और 22 अगस्त से अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पासवान के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने दुखद शब्दों में कहा कि मैंने आज अपना दोस्त खो दिया है। पासवान मोदी कैबिनेट में सबसे उम्रदराज मंत्री थे। 11 सितंबर को अस्पताल में भर्ती हुए थे। एम्स में 2 अक्टूबर की रात उनकी हार्ट सर्जरी की गई थी। इसके पहले भी एक बार उनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी थी। देश में अब हर रोज कोरोना के 70 से 80 हज़ार नए मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि अगर यही रफ्तार रही तो नवंबर के पहले हफ्ते में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा संक्रमण वाला देश हो जाएगा। मौजूदा केस की संख्या के अनुसार 7 नवंबर तक देश में 91,70,000 से अधिक मामले होंगे, जबकि अमेरिका हर रोज 40 से 45 हज़ार नए मामले दर्ज कर रहा है। इस लिहाज से 7 नवंबर तक 91,40,000 केस दर्ज होंगे। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 69,03,812 हो गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि इनमें से 59 यानी कि 59,03,207 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,93,041 मरीजों का इलाज अभी जारी है। पिछले कुछ दिनों से काफी बीमार होने के बाद गुरुवार को केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया। इसके बाद सियासी गलियारों में दुख का माहौल है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि रामविलास पासवान जमीन से जुड़े राजनेता थे। उन्होंने सदैव गरीबों कमजोरों के लिए संघर्ष किया। पासवान के निधन से राजनीति की अपूर्णीय क्षति हुई है और उनकी कमी हमेशा ही बनी रहेगी। साथ ही रामविलास पासवान के निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। आपको बता दें कि मंत्री पासवान के निधन की पुष्टि उनके पुत्र चिराग पासवान ने ट्वीट करके दी थी। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से एक ऐसी खबर है जहां MR10 ब्रिज के नीचे नाले में एक अज्ञात लाश मिली। लाश मिलने के कारण क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई, मामले की जांच में जुट चुकी, लेकिन लाश अज्ञात है। अभी ये लाश किसकी है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। हमें सूचना मिली सुबह 7 बजे के करीबन की अज्ञात व्यक्ति की बॉडी पानी में डूबी पड़ी है। सूचना पर हम आए हैं, देखा तो एक अज्ञात पुरुष जिसकी उम्र करीबन 40 वर्ष है, वो पानी में डूबा हुआ था। उसको बाहर निकाला, निकालने के बाद में सब लोगों से उसकी तस्दीक कराई, पूछताछ करवाई, सब लोगों को दिखाया गया तो किसी ने पहचाना नहीं है। कोई भी किसी व्यक्ति ने शराब पी के या तो पानी में गिर गया है, जैसा भी हुआ है, लेकिन उसके पलट पलट के नहीं और देखते किसी भी प्रकार के उसके शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई चोट के निशान नहीं है। उस वजह से ये लगता है कि वो व्यक्ति
या तो फिसला है, गिरा है कहीं से, पर देखे यहाँ आया है, उसको निकाल के और हमने पीएम के लिए भेजा है और इस संबंध में जांच की जा रही है। सर, तस्दीक के दौरान किसी प्रकार की कोई शव के द्वारा जानकारी मिली या? नहीं, कोई जानकारी नहीं मिली अभी, किसी व्यक्ति ने पहचाना भी नहीं है जी। और ऐसी कोई संदिग्ध, मतलब संदिग्ध भी नहीं पाया जा रहा है, कोई चोट के निशान वगैरह कोई कुछ। लंबी बीमारी के बाद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के गुरुवार शाम निधन हो गया। उनके बेटे और एलजीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस बात की पुष्टि की। चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में लिखा, पापा अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं, मिस यू पापा। उज्जैन पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह के निर्देश पर चलाया जा रहा ऑपरेशन क्लीन के तहत उज्जैन पुलिस लगातार अपराधी और अवैध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। इसी के तहत उज्जैन सिटी एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी के आदेशानुसार सीएसपी रजनीश कश्यप के मार्गदर्शन में महंकाल पुलिस की एक बड़ी कार्यवाही सामने आई। आईपीएल सट्टेदारियों को 5 लाख के हिसाब से सहित मोबाइल रजिस्टर और अन्य सामग्री जब्त की गई। साथ ही साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जानकारी के अनुसार आरोपियों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। आईपीएल शुरू होने के बाद से ही हम लोग इसमें लगे हुए थे और सूचनाएं मिल रही थी कि सट्टा है, लेकिन स्थान का पता नहीं चल पा रहा था। आज मुखबिर ने बहुत ही सुस्पष्ट जगह हमको बताई और वहाँ बताया कि बूढ़ा अपने मकान में आईपीएल का सट्टा ले रहा है। तब सीएसपी साहब को बताया गया और फोर्स को लेकर के उनके साथ में हम लोग गए और गया के घेरा डाल करके व्यवस्थित तरीके से साफ पास वाले मकान से हम लोग वहाँ पर कूदे। तब ये 2 आदमी बूढ़ा पिता उस्मान खान, बूढ़ा पिता रशीद खान और ईशान पिता उस्मान खान, ये दोनों कज़िन हैं, कोर्ट मोहल्ला के रहने वाले हैं, इनको वहाँ पकड़ा गया। ये अब कमरे में 2 टीवी और 7 मोबाइल, इन पर लगातार क्रिकेट का मैच देख करके बॉल और बैट अनुसार रनों के अनुसार सट्टा ले रहे थे, इनको पकड़ा गया वहाँ। इसके अलावा और भी कोई सामग्री जब्त की गई? इनके पास से कैलकुलेटर और जो रजिस्टर है हिसाब का, वो जब्त किया गया है। करीब 5 लाख के आसपास का इसमें अभी हिसाब हुआ था, वो जब्त कर लिया गया। और भी बढ़ सकता है, थोड़ा देखना पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। पुराने कोई अपराध? बूढ़ा पिता रशीद के पुराने सट्टे के कुछ अपराध हैं, लेकिन अभी देखकर बता पाएंगे कितना उसका, कितने रिकॉर्ड है उसका। पूर्व कांग्रेस मंत्री जयवर्धन सिंह ने मीडिया के सामने हाल ही में कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए सिंधिया सहित सभी बागी विधायकों को कमलनाथ सरकार गिराने का दोषी ठहराया और कहा कि इनके लिए कमलनाथ ने क्या कुछ नहीं किया, 5 साल काफी नहीं थे इनके लिए, इन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। सांवेर विधानसभा उपचुनाव दौरे पर आए जयवर्धन सिंह ने कहा कि सिंधिया बिना किसी को बताए कांग्रेस छोड़कर चले गए और कहीं ना कहीं कांग्रेस को सिंधिया की कमी खलती नजर आ रही है। साथ ही सांवेर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के लिए कहा गया कि यहाँ से पहले भी विधायक रहे हैं और जनता को उनकी कमी आज तक खलती है। देखिए, किसी को कभी उम्मीद नहीं थी कि सिंधिया जी बिना किसी को बताए पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया, 20 साल सांसद रहे, 5 साल केंद्र मंत्री रहे, लेकिन जिस दिन सिंधिया और उनके जो विधायक और मंत्रियों ने पद से इस्तीफा दिया, पार्टी से इस्तीफा दिया, हमने उस दिन ही तय कर लिया था कि आने वाले समय में, चाहे वो सांवेर हो, चाहे वो जो पूरा क्षेत्र ग्वालियर चंबल का हो, वहाँ पे पूरी ताकत के साथ हम काम करके जिन लोगों ने गद्दारी की है पार्टी के साथ तो की है, लेकिन जिस जनता ने इन लोगों को वोट दिया था, सबसे बड़ा धोखा जनता के साथ हुआ है। हर विधायक चुनाव जीतता है जनता के आशीर्वाद से, 5 साल का कार्यकाल रहता है, और अगर कोई भी विधायक या मंत्री जनता के वोट को बेचकर बीच कार्यकाल में दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए जिसके खिलाफ जनता ने वोट किया था, तो इससे बड़ा अपमान जनता का नहीं हो सकता है। जहाँ तक बात सांवेर विधानसभा की है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय प्रेमचंद गुड्डू जी पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, आज भी
जनता यहाँ पर उनके कार्यकाल को याद करती है, चाहे डैम के निर्माण हो, चाहे सड़क के निर्माण हो, ऐसे अन्य विकास कार्य उस समय किए गए थे। और सांवेर का हर एक मतदाता ये बात भी हर जगह कह रहा है कि जिनको उन्होंने 2 साल पहले वोट किया था, क्या कारण है कि 15 महीने बाद इन लोगों ने इस्तीफा दिया। गलती क्या थी कमलनाथ जी की? कर्ज माफी अगर की तो कमलनाथ जी ने की। आपने खुद कुछ दिन पहले देखा होगा, मैंने प्रश्न उठाया विधानसभा के अंदर और उसमें भाजपा के कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने स्वीकार किया है कि कांग्रेस के 15 महीने की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है, लगभग 11,000 करोड़ से अधिक राशि किसानों को मिली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाजपा के कृषि मंत्री ने विधानसभा में उत्तर दिया है। यही नहीं, क्या गलती ये थी कमलनाथ जी की कि बिजली के बिल उन्होंने 100 रुपये 100 यूनिट किए, गरीबों की पेंशन 2 गुनी की, या फिर गौ माता के लिए जो गौशालाएँ पूरे मध्य प्रदेश में खोली, क्या वो गलती कमलनाथ जी की थी? मैं खुद यहाँ मौजूद था पिछले साल जब हमने मेट्रो का शिलान्यास किया था। हमने उस दिन वादा किया था कि हम मेट्रो रेल भी सांवेर तक पहुँचाएंगे RRTS के माध्यम से, रैपिड रेल के माध्यम से। लेकिन क्या ये भी तुलसी जी के लिए काफ़ी नहीं था, पर्याप्त नहीं था? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज के समय पूरे विश्व में संकट है कोरोना महामारी का। क्या उपचुनाव राऊ में है? क्या उपचुनाव देपालपुर में है? क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ के विधायक बिके नहीं। अगर आज सांवेर की जनता ऐसे संकट के समय में लाइन में खड़े होगी चुनाव के लिए, किसके कारण? चुनाव तो होने थे 2023 में, लेकिन आज अगर चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ के जो पूर्व विधायक थे और जो अभी बिना कोई पद पर रहकर मंत्री बने हैं, तुलसी सिलावट जी, उनके स्वार्थ के लिए चुनाव। उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति को धार देने में लगी हुई है। इसी कड़ी में गुरुवार को गादिया मंडल के बरखेड़ा वीर में मंडल सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याण योजनाओं की वीडियो रथ के माध्यम से जनता तक पहुंचाया गया। इस सम्मेलन में बताया गया कि 1.25 साल में कांग्रेस की सरकार ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे अत्याचार किए। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह, सांसद रोडमल नागर, जिला अध्यक्ष दिलबर यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। उज्जैन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के मुख्य अतिथि और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को विश्व बैंक परियोजना रूसा के अंतर्गत नवनिर्मित 6.5 करोड़ रुपए की लागत से शासकीय विधि महाविद्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने उज्जैन वासियों को भव्य विधि भवन कॉलेज की सौगात दी और इसके लिए बधाई दी। उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इंदौर के साथ साथ अब उज्जैन में भी निरंतर विकास कार्य जारी हैं। उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में जो भी कमी होगी, उच्च शिक्षा विभाग उसको अवश्य पूरा करेगा। उनके द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय कैंपस में 250 सीटर छात्रावास भवन की पूर्व में स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी, जिसका कार्य भी शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि हमारे देश में कानून सर्वश्रेष्ठ है। ऐतिहासिक विधि महाविद्यालय की उपलब्धि मिलने से छात्रों को कानून की पढ़ाई कर आगे बढ़ने में आसानी होगी। उनके द्वारा दिव्यांगों के लिए कृतिमंग बनाने का कारखाने का निर्माण किया गया है। इसके विस्तारीकरण करने के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। विस्तारीकरण करने के लिए अतिरिक्त भूमि को शीघ्र ही जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। ये हम सबका सौभाग्य है, उज्जैन विक्रमादित्य की नगरी है, शिक्षा की नगरी है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं शिक्षा ग्रहण की। ऐसे में यहाँ नया विधि महाविद्यालय प्रारंभ हुआ है और इसका नाम अब सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय के नाते से जाना जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसके अलावा जो लगातार और अभी बहुत सारे संस्थान आने हैं विक्रम विश्वविद्यालय के माध्यम से, एक अवंतिका विश्वविद्यालय प्राइवेट स्तर पर आया है, एक दो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ और भी खुलने वाली है, अलग अलग प्रकार से उज्जैन की जो विशेषता है, खास करके यहाँ का सब प्रकार से अनुकूल वातावरण, शांत नगरी, अपराध मुक्त शहर,
सभी प्रकार से कनेक्टिविटी के लिए बहुत सरल और बच्चों को पढ़ने के लिए सर्वाधिक मनोअनुकूल है। ऐसे में इस महाविद्यालय के माध्यम से आज ही हमने यहाँ पर जो मौजूदा सीटें थी उसमें वृद्धि भी की है, एलएलएम की सीटों में वृद्धि की है। आने वाले समय में ये राष्ट्रीय स्तर का विधि शैक्षणिक संस्थान बने, इस दिशा में भी हम प्रयास करेंगे। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। उज्जैन के लिए निश्चित रूप से ये विधि महाविद्यालय की सौगात ऐतिहासिक है, स्मरणीय है, यादगार है। यहाँ विधि महाविद्यालय का भवन नहीं था, माधव महाविद्यालय के 2-3 कमरों में लगता था। इसकी महती आवश्यकता थी, इस महती आवश्यकता की पूर्ति मोहन यादव जी ने अथक प्रयास करके किया है। मैं सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, कर्तव्यनिष्ठ और कठोर परिश्रम है। देश हित में उन्होंने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है, जो कहते हैं वो करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए चप्पे चप्पे की खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज के साथ। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।